देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, हमेशा देखिए आपका हम सफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। अपना पहले नंबर लगाना हो, कोई हटाने का रहा तो अपना पहले नंबर लगाना। हाँ ना, मैं राय देख रहे, ठंडा ले ना, मैं नंबर राय देख रहे, मैं तो कोई वादा नहीं ना, उधर से शुरू करेंगे ना अपन, वो कपड़े से उधर से। ये जब बोल पर ये है जो परमाणु ने उनको पहले हटा है ना सर। अरे हम भी जय भी मान्य है सर, ऐसा थोड़े है। जय भीम, मैं हूँ एडवोकेट सुधीरेश ताड़े, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती। आइए आज आम आदमी की बात में एक नींबू शरबत बेचने वाले कृष्णार्पण नींबू शरबत के संचालक इनसे रूबरू होते हैं और जान लेते हैं उनकी समस्या और उनके व्यवसाय के बारे में। आपका पूरा नाम बोलिए। राजेश भगत। राजेश भगत, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई पूरी की है? मैट्रिक फेल। मैट्रिक फेल, आप कौन से कितने साल पहले आप मैट्रिक फेल हुए थे? 90 में। तो उसके बाद में तो चपरासी चौकीदार वगैरह लग सकते थे। हाँ। तो फिर आपने कुछ उस समय नौकरी के लिए कुछ कोशिश नहीं की? जी सर। फिर ESI में की, नागपुर में 3 साल ली वैकेंसी में की। अच्छा। हाँ। तो वहाँ वो ली वैकेंसी की जगह वो हैंडीकैप को चले गई। अच्छा, फिर मैं निकल गया। मैं अच्छा, तो अभी आप विवाहित हो? हाँ। अच्छा, अभी जो आपने फिर कोई कर्जा वगैरह के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए कोई कर्जा वगैरह मिला है आपको? नहीं सर, कोशिश की बहुत बार लेकिन मिलता नहीं। तो आप सीजनेबल व्यवसाय करते हो? हाँ सर। क्या क्या व्यवसाय करते हैं आप? आलू बोंगा, नींबू शरबत के बाजू ऐसा। तो अभी धूप काल में आप नींबू शरबत की गाड़ी लगाते हो? हाँ सर। तो दिन में कम से कम कितने ग्राहक आपके दुकान पे आते हैं? 100, 100, 100, 125। अच्छा, 80। तो आपका जो ये करने के बाद में जो नींबू वगैरह और शक्कर ये सब इसमें जो आप निवेश करते हो, उसमें से आपको रोज की कितनी आमदनी हो जाती है? 300, 350 बहुत हो गए तो 400, नहीं तो 250। अच्छा, बोलते नहीं आता। तो दूसरी बात एक है कि अभी जो केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो अच्छे दिन लाने की बार बार वो घोषणा करते हैं, और वो जो मुद्रा लोन के लिए आपका रोजगार शुरू करने के लिए 50,000 से 5 लाख रुपए का जो कर्जा देने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है, तो अभी ऐसे कुछ लोगों को कुछ बैंक वगैरह कुछ कर्जा दे रही है, मिल रहा है लोगों को? सर मुझे तो नहीं कुछ अभी तक उसमें फायदा मिला, फायदा नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ से अभी रास्ते के बाजू में यहाँ से सामाजिक न्याय भवन है, जहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विद्यार्थी है उनके पालक है, और कास्ट आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट की जांच पड़ताल का ऑफिस है, यहाँ से रोज जाते हैं, तो आप उनको नींबू शरबत पिला के उनको ठंडा देते हो? अच्छा। अच्छा, तो कुछ अमरावती महानगर पालिका के लोगों से कुछ तकलीफ वगैरह है आपको? सर ये दुकान वगैरह लगाते हैं तो कभी कभी अति कम निवाद करा देता है, बस। हाँ। बाकी नहीं। तो यहाँ पर हमने आज मिला है राजेश भगत से, हमने मुलाकात की है, और इनकी पढ़ाई 10वीं तक के इन्होंने पढ़ाई पूरी की है, और ये यहाँ पर नींबू शरबत की गाड़ी लगा के अपनी रोजी रोटी ये कमाते हैं। रोज इनके पास में 400 या 500 रुपए की आमदनी होती है, 150 रुपए नींबू और शक्कर में जाते हैं, और 350 रुपए इनको आमदनी मिलती है। इनकी जो गाड़ी है कृष्णा अर्पण टेस्टी नींबू शरबत, यहाँ से पुलिस आयुक्त कार्यालय है, बाजू में टीबी दवाखाना है, और यहाँ से काफ़ी लंबा एक 80 फुट का बड़ा रास्ता है, और रास्ते के किनारे ये अपनी गाड़ी लगाते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। लेकिन कभी कभी महानगर पालिका के लोग भी आके कभी कभी तंग करते हैं, लेकिन यहाँ कोई, इनका कहना ऐसा है कि यहाँ कोई बड़ी यातायात नहीं है, यहाँ कोई मॉल नहीं है, यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ कोई भीड़ भाड़ वाला कोई रास्ता नहीं है, यहाँ कोई मार्केटिंग इलाका नहीं है। हम लोग सवेरे 9 बजे शुरू करते हैं और शाम में 7 बजे दुकान बंद करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं कि मुद्रा लोन लो और अपना खुद का रोजगार निर्माण करो, लेकिन उन्होंने कहा
कि जब बैंक के पास में जाते हैं तो बहुत सारी उनको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, लेकिन आज तक उनको उनको कर्जा मिला नहीं है। और जो मुद्रा लोन की योजना है ये नाकामयाब हुई है और मुद्रा लोन का किसी को भी फायदा हुआ नहीं है। तो आज ब्लू टाइगर न्यूज के चैनल के माध्यम से हम अमरावती महानगर पालिका का जो अतिक्रमण विभाग है उनसे भी कहना चाहेंगे कि चाहे वो चितवारा हो, राजकमल चौक हो, राजा पेट हो, जहाँ पर कई मॉल है, जहाँ पर कोई स्कूल है, जहाँ पर कोई एस टी स्टैंड है, जहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर अपघात होने की बहुत बड़ी संभावना होती है, वहाँ अगर अतिक्रमण हटा वाले अगर वहाँ की गाड़ी उठाते हैं तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन रास्ते के किनारे कोई बेरोजगार व्यक्ति अगर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अगर काम करता है तो उसको परेशान ना किया जाए। और दूसरी बात, जो मोदी सरकार की योजना है वो योजना तो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन मुद्रा लोन नहीं मिल रहा है, तो हमारी ऐसी गुजारिश है कि जो उनके बैंक के अधिकारी है वो पूरे अमरावती शहर में महानगर पालिका में जो छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं उनको मुलाकात उनसे ली जाए, उनसे डॉक्यूमेंट दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो और कम से कम 50,000 रुपये का कर्जा ऐसे लोगों को दिया जाए ताकि इनकी रोजी रोटी चलती रहे और उनके अच्छे दिन आते रहे। और मैं अमरावती शहर में पुलिस आयुक्तालय के परिसर से और डीबी दवाखाने के परिसर से ब्लू टाइगर का संचालक और ब्लू टाइगर का मुख्य संपादक एडवोकेट सुधीरेश तायडे सप्रेम जय भीम, धन्यवाद।